म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले ध्यान से सुन। देखो म्यूचुअल फंड में तीन तरह के फंड होते हैं, स्मॉल कैप छोटी कंपनियां, मिड कैप मध्यम कंपनियां, लार्ज कैप बड़ी वाली कंपनियां। जो लोग शुरुआत में इन्वेस्ट करते हैं वो कहते हैं अरे यार बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, यहाँ पे हो सकता है बहुत ज्यादा रिटर्न ना मिले बट कम से कम पैसे तो नहीं डूबेंगे। तो कई लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि 100 कंपनियां 100 में से किसमें करें, तो ये जाते हैं म्यूचुअल फंड वालों के पास कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में हमको SIP कर दो, बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारा पैसा लगाना। अब इसकी जगह एक ऑप्शन और होता है कि आप लार्ज कैप में किसी म्यूचुअल फंड को पकड़ने के बजाय एक इंडेक्स फंड ले लो और कह दो भैया 100 कंपनियों का एवरेज है, मैं तो इसमें लगा रहा हूं जो होगा देखी जाएगी। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आई 2022 में, ये जितने भी म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसे को मैनेज करने के और इन्वेस्ट करने के 1.5 से 2% फीस आपसे ले रहे हैं, इनमें से 88% म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो S&P इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए, सिर्फ 12% फंड ऐसे हैं जो ने उससे ज्यादा रिटर्न दिए। यानी इससे बेहतर यह है कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो इनके भरोसे क्या रहने का, 100 कंपनियों में से ही तो छांटना है, तुम 100 में से छांटते क्यों, 100 के 100 में कर डालो, बनाओ इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड कब सही है, आप मिड कैप में जा रहे हो स्मॉल कैप में जा रहे हो जहां पे अगर जरा सी गलती हुई तो निमट सकते हैं, वहां पे आप एक्सपर्ट की एडवाइस लो, लार्ज कैप में इंडेक्स फंड इज द बेस्ट है बाबू।